सिडको मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट चला रही है, पहले 14,838 घर हुए, उसके बाद 1,00,000 जो घर हैं उसकी लॉन्चिंग की गई। सर क्या अभी कंडीशन है, क्या आने वाले समय में और भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए जाने वाले हैं, क्योंकि मिशन है सिडको का हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक का, 2 साल बचे हैं, कहाँ तक पहुँचा है ये पूरी योजना, कहाँ तक पहुँची है और आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, सरकार का जो हाउसिंग फॉर ऑल और हाउसिंग पॉलिसी है, जिसमें सरकार ने सोचा था कि हर भारतीय नागरिक के पास एक घर होना चाहिए, इसके तहत सिडको ने ये हाउसिंग के जो प्रकल्प है ये लिए है और अभी तक के हमने करीबन, हमारा जो लक्ष्य है वो 1,00,000 घर से ऊपर का घर है। अभी इसमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने ये प्रोजेक्ट क्यों लिया है। तो एक तो हमें हर एक को घर देना है, तो हाउसिंग फॉर ऑल इज़ वन ऑफ द इंडिकेशन। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी द मार्केट लीडर। मार्केट लीडर जो होता है वो प्राइसिंग को डिटरमिन करता है। ऑन वन हैंड द हाउसिंग इंडस्ट्री शुड प्रॉस्पर, ऑन द अदर हैंड जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग ऑल्सो हैज टू बी थॉट ऑफ। तो आप प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हो? तो प्राइसिंग ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज अ राशनिंग, सरकार एक प्राइस डिसाइड कर देती है, लेकिन हाउसिंग में उस प्रकार से आज तक के हुआ नहीं है और सक्सेसफुल भी नहीं रहेगा। सो सरकार क्या करती है, सरकार खुद हाउस बना के एक पर्टिकुलर रेट में मार्केट में अवेलेबल कर देती है और उससे एक इन्फ्लुएंस करती है कि व्हाट इज़ द मीन और एवरेज रेट विच इज़ देयर। तो इस प्रकार से जो सिडको का भी मानस था, यही दो थे कि नंबर वन ज़्यादा से ज़्यादा घर जो है बनाया जाए, और दूसरा है कि टू बी अ मार्केट ट्रेंड सेटर इन द मार्केट, कि किस प्रकार से प्राइसिंग जो है वो प्राइसिंग की जाए। अब मैं ये कहूँगा कि जो पहला फेज के जो ये था, जो 15,000 घर का था, वो जो है वो एडवांस स्टेज में है और उसकी लॉटरी जो है वो हम बाय द एंड ऑफ द ईयर निकालेंगे ज़रूर। और जो दूसरा फेज है जो जिसमें 90,000 घर बनाने का है, तो वो जो है एकदम इनिशियल स्टेज में है। अभी कॉन्ट्रैक्टर को जो है साइट जो है वो साइट हमने अभी कुछ ही दिन पहले हमने दिया है। सो उसका काम जो है उसका काम अभी शुरू हो रहा है और टप्पे टप्पे में जो है इस प्रकार से एक सप्लाई ऑफ हाउसेज इन द मार्केट इसके जरिए चालू रहेगा।